दोस्तों तो न्यू ईयर का सीजन चल रहा है और जनवरी आ चुकी है और इसमें काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है और इसी मंथ में एक काफी ज्यादा गर्मा गर्म स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। मैं बात करूं सैमसंग S24 सीरीज के बारे में जो कि आपको 17 जनवरी को देखने को मिलने वाली है और काफी ज्यादा इंक्रीमेंटल अपडेट्स आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। डिजाइन में काफी ज्यादा चेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले S24 सीरीज के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी और 17 जनवरी को यह स्मार्टफोन क्या प्राइसिंग के साथ लॉन्च होने वाला है सब कुछ वीडियो के अंदर आने वाले हो। तो अगर आपको वीडियो में सारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग ऐसे वीडियोस रेगुलर इस पे करते रहते हैं। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन के बारे में। तो देखिए S24 और S24 प्लस के अंदर इतने ज्यादा कोई अपडेट्स नहीं है, बट S24 अल्ट्रा के अंदर आपको जो बॉडी देखने को मिलेगी वो टाइटेनियम की बॉडी होने वाली है। तो हां, जैसे कि आपको iPhone 15 सीरीज के अंदर टाइटेनियम बॉडी देखने को मिली, काफी ज्यादा रगड और हल्की होती है, वैसी ही आपको S24 सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो ऐसा कह सकते हैं कि Samsung ने एप्पल की कुछ चीजों को अपनाया है। और अगर बात करें यहां पे Samsung S24 अल्ट्रा के एक काफी बड़े अपडेट्स के बारे में, तो Samsung ऐसा बता रहा है कि इसके अंदर ये AI से रिलेटेड काफी सारे फीचर्स लेके आने वाला है। इसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे, बट बात कर लेते हैं S24 और S24 प्लस के बारे में। वैसे बेसिकली तीन फोन लॉन्च होने वाले हैं, S24, S24 प्लस और अल्ट्रा आपको देखने को मिलने वाला है। और अगर बात करें यहां पे डिस्प्ले के बारे में, तो जैसे कि आपको पता है S23 अल्ट्रा जो था उसमें आपको कर्व स्क्रीन देखने को मिलती थी, जिसकी वजह से एक फोन में ग्रिप काफी ज्यादा, यहां पे जो ग्रिप था वो ज्यादा इतना अच्छा आपको देखने को नहीं मिलता, काफी स्लिपरी फोन हो जाता था। बट S24 अल्ट्रा के अंदर आपको बैक और जो आपका फ्रंट है वो दोनों आपको फ्लैट स्क्रीन के साथ देखने को मिलने वाला है। तो बिल्कुल फ्लैट डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाली है। बट यहां पे जो आपको यहां पे डिजाइन में देखने को मिलेगा वहां पे बेजल्स बहुत ज्यादा कम होने वाले, मतलब मैं कह सकता हूं कि ना के बराबर ही आपको यहां पे बेजल्स देखने को मिलने वाले। S24 और S24 प्लस की अगर बात करें तो डिजाइन काफी ज्यादा सिमिलर होने वाला है S23 और S23 प्लस के अकॉर्डिंग। और अगर बात करें यहां पे डिस्प्ले के बारे में, डिस्प्ले में एक जो चीज काफी ज्यादा मुझे अच्छी लगी है, यहां पे ब्राइटनेस लेवल काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। यहां पे आपको कुछ 2600 निट्स की ब्राइटनेस आपको देखने को मिलने वाली है। तो मुझे लग रहा है इंडस्ट्री में आने वाले समय में आपको टॉर्च और बत्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने फोन से ही सारी चीजें कर पाओगे। इतनी ज्यादा 2600 निट्स की ब्राइटनेस होने वाली है, मेरे हिसाब से इतना कोई यूज नहीं बनता है, बिकॉज 2600 निट्स के मेरे हिसाब से 2000 निट्स की ब्राइटनेस भी इनफ होती है आउटडोर में। तो सैमसंग 2600 निट्स देखे आने वाला है। और अगर बात करें यहां पे कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, तो सैमसंग S24 अल्ट्रा के अंदर आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि भाई साहब क्या परफॉर्मेंस लेके आने वाला है। इसमें आपको टेलीस्कोप लेंस भी देखने को मिलेगा। अच्छा हाँ, सैमसंग ने इस बार कैमरे में एक इंटरमीडिएट अपडेट और भी किया है। वो अपडेट ये कि सैमसंग ने अपने 10x और 100x जूम को हटा के सैमसंग ने अपने 5x और 10x जूम को रख दिया है। तो इतना ज्यादा जूम का वैसे भी कोई यूज नहीं होता था, बट अब उसने क्या किया है, उसमें जो कैमरा सेंसर साइज है उसको बढ़ा दिया है और मेगापिक्सल ज्यादा कर दिए, जिसकी वजह से जो 10x जूम वाली फोटो है, 5x जूम वाली फोटो है, वो काफी ज्यादा एक सही मायने में एक काफी यूजफुल चीज बनाने वाली है और मेरे हिसाब से काफी सही चीज भी है। अगर 100x की जूम की हम क्या ही काम कर सकते हैं, मजाक की बात अलग है कि फर्जी का कुछ देखते रहो तो वो बात अलग है, बट 10x जूम और 5x जूम एक एक्चुअल में काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है और सैमसंग इसको और अच्छे तरीके से इनहेंस करके लाने वाला है S24 अल्ट्रा के अंदर। और अगर बात करें S24 और S24 प्लस के अंदर, तो यहां पे आपको स्क्रीन साइज, जैसे मैंने बताया कि स्क्रीन साइज में थोड़ा सा आपको अपडेट देखने को मिलेगा, बट कैमरेज की परफॉर्मेंस सिमिलर ही मुझे लग रही है, इतना ज्यादा कोई यहां पे परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। बात करें परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के बारे में, तो यहां पे प्रोसेसर्स की बात कर लेते हैं। सैमसंग S24 अल्ट्रा के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 आपको देखने को मिलने वाला है, जो एक काफी अच्छी परफॉर्मेंस लाके देने वाला है। हां, अगर बात करें यहां पे हीटिंग इश्यूज के बारे में, तो सैमसंग किस तरीके से इनको अपने अंदर इंटीग्रेट करता है, किस टाइप से इसको ऑप्टिमाइज करता है, वो तो सैमसंग की बात है। बट ऐसा एक भी चीज सुनाई में पड़ रही है, सैमसंग S24 और S24 प्लस के अंदर आपको एक्सिनोस का प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है कि एक्सिनोस के प्रोसेसर में हीटिंग इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, तो मे बी कि एक्सिनोस के प्रोसेसर ना आए तो काफी ज्यादा सही है, बट अगर एक्सिनोस का प्रोसेसर आता है तो S24 S24 प्लस के अंदर परफॉर्मेंस इश्यूज मेरे हिसाब से तो होने वाले हैं, क्योंकि सैमसंग ने इतने सालों से एक्सिनोस प्रोसेसर को सॉल्व नहीं कर पाया, तो अभी एकदम से क्या सॉल्व करेगा, और अगर सॉल्व कर देगा तो एक काफी ज्यादा एडवांटेज बन जाता है और एक्सिनोस प्रोसेसर को एक बूस्ट भी मिलेगा, जिसकी वजह से सैमसंग अपने एक्सिनोस प्रोसेसर को आने वाले समय में फ्लैगशिप सीरीज के अंदर डाल सकता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैमरे की परफॉर्मेंस के बारे में। तो देखिए कैमरा परफॉर्मेंस में ऐसे काफी सारी चीजें बताई जा रही है कि सैमसंग अपनी AI रिलेटेड काफी सारी चीजें लाने वाला है, जिसकी वजह से कैमरे की फोटोज काफी ज्यादा आपको आई कैची देखने को मिलेगी, रेजोल्यूशन काफी ज्यादा अच्छा और ज्यादा अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। अगर कुछ अपडेट्स की बात करें, कुछ लीक्स की, तो यहां पे सुनाई में पड़ा है कि AI के अंदर आपको दो फीचर्स बहुत ज्यादा मेजर देखने को मिलने वाले। पहले कहते थे कि हम नॉर्मल एक वीडियो रिकॉर्ड करते थे,
और उसको आप यूज कर लेते थे। अब क्या है कि आप दो वीडियो एक साथ रिकॉर्ड कर पाओगे। बेसिकली उस एआई के थ्रू वो करेगा कि एक जूम क्रॉप वीडियो होगी किसी भी फोकस, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो एक आपकी फुल वीडियो फ्रेम में होगी और दूसरी एक क्रॉप वीडियो होगी जिसको आप एज अ काफी हाई रेजोल्यूशन वीडियो के थ्रू यूज कर पाओगे। और ये साइड में ऑटोमेटिक रिकॉर्ड भी होती रहेगी और आप इसको बंद भी कर पाओगे। ऐसा आपको अगर करना है तो करो, नहीं तो नहीं करना है। मगर ये चीजें जो है एआई के थ्रू आपको देखने को मिलने वाली है। और कुछ फोटोज के अंदर भी एआई का काफी ज्यादा यूज होगा, पोर्ट्रेट मोड के अंदर काफी सारी चीजें फीचर्स आने वाले हैं। तो कैमरा परफॉर्मेंस में बेसिकली सैमसंग बहुत ज्यादा काम कर रहा है और मेरे हिसाब से लगता है इसके वजह से इसके अंदर आपको वन यूआई आपको देखने को मिलने वाला है। तो वन यूआई काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज है। तो देखते हैं कि यूआई के अंदर सैमसंग एआई को किस तरीके से यूज करता है। और मैं एक चीज आपको बता दूं, 2024 के अंदर आपको एआई से रिलेटेड काफी सारे फीचर्स आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि आपने गूगल पिक्सल सीरीज के अंदर हम लोगों ने देखा एआई के फीचर्स काफी सारे आने लगे, तो वैसे ही आपको सारे स्मार्टफोन के अंदर मुझे लगता है कि एक दो महीने के अंदर आपको काफी ज्यादा एआई देखने को मिलने वाला है। और काफी सारी चीजें जो इंटरेस्टिंग है आपके फोटोग्राफी स्टाइल्स में, आपके फोन यूजेस डेली के जो आप यूज करते हो उसके स्टाइल में काफी ज्यादा चेंज आने वाला है। तो ये जो है S24 के कैमरे के बारे में डिपार्टमेंट बात होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे बैटरी के बारे में। तो S24 और S24 प्लस के अंदर ऐसा सुनाया पड़ रहा है कि बैटरी इतनी ज्यादा कोई नहीं बड़ी है, बट अल्ट्रा के अंदर सुनाया पड़ रहा है कि कुछ 5000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलने वाली है। तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा सही है क्योंकि जो प्रोसेसर है वो 3nm बेस्ड प्रोसेसर है, तो जिसके वजह से पावर एफिशिएंट बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे बैटरी मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बैटरी काफी ज्यादा आपको बैकअप यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और एक चीज है कि कैमरा सेंसर साइज ज्यादा है और एआई का यूज कर रहे हैं, तो उस तरीके से अगर बात करें तो वहां पे बैटरी ज्यादा खर्ची हो सकती है। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल काफी ज्यादा 2600 nits का हो रहा है, तो वहां पे भी ब्राइटनेस लेवल जो है जिसके वजह से बैटरी काफी ज्यादा ड्रेनेज देखने को मिल सकता है। फोन आने दिए, देखते क्या क्या चीजें उसके अंदर देखने को मिलने वाली है, कैसी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप क्या सोचते हो S24 सीरीज के बारे में। जो लोग S23 Ultra यूज कर रहे हो अपना मतलब ओपिनियन बताएं, वो एक्साइटेड है कि नहीं S24 सीरीज के बारे में। और जो लोग भी वेट कर रहे हैं S24 सीरीज के बारे में वो भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो बता दें, वीडियो को लाइक करिए, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियोस रेगुलर पे करते रहते हैं। चलिए फिर आज के वीडियो में, थैंक्स।